नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आज सागर में कोबरा झूले पर झूला। जी, घर में छिपा बैठा था और 5 फीट लंबा कोबरा पकड़ने गए तो चूहे के बिल में घुस गया। झूला झुलाने से नाराज कोबरा ने फुफकार भी मारी है। हम आपको बताते हैं, सागर में 5 फीट लंबा कोबरा को सांप को पकड़ने वाले अकील बाबा को जमकर छकाया है। पहले घर में छिपा बैठा रहा, बाद में नजर आया तो लेकिन वह चूहे के बिल में घुस गया। आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार कोबरा को पकड़ लिया गया। अकील बाबा ने कोबरा को पकड़ने के बाद आंगन में लगे झूले पर भी झुलाया तो उसने भी फुफकार मारकर जवाब दिया। अकील बाबा ने बताया कि कोबरा बहुत जहरीला होता है, इसे जंगल में छोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक अन्य स्थान से भी 4 फीट का कोबरा सांप पकड़ा गया है। हम आपको बता दें कि सागर में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 कोबरा सांपों को पकड़ा गया। एक मकान में कोबरा चूहे के बिल में घुसा था, वही दूसरे मकान में सांप गेहूं की टंकी के नीचे कुंडली मारकर बैठा था। सूचना पर सांप पकड़ने में एक्सपर्ट अकील बाबा ने मौके पर पहुंचकर दोनों कोबरा सांपों को पकड़ा है। 28 नंबर गेट के पास एक मकान में करीब 4 फीट लंबा कोबरा सांप मकान में घुस गया था। परिवार के लोगों ने अकील बाबा को सूचना दी। खबर मिलने के बाद अकील बाबा ने मौके पर पहुंचकर सांप की तलाशी की। करीब आधे घंटे तक मकान में कोबरा की सर्चिंग की गई लेकिन मिला नहीं। इसके बाद गेहूं की टंकी को हटाया गया तो कोबरा टंकी के नीचे कुंडली मारकर बैठा था, जिसे काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। हम आपको बता दें, ठीक इसी तरह स्वीडिश मिशन स्कूल सागर के पास एक मकान में करीब 5 फीट लंबा कोबरा था। सांप देख परिवार के लोग घर से बाहर आ गए। सांप पकड़ने में एक्सपर्ट अकील बाबा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कोबरा पकड़ने रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान कोबरा घर में बने चूहे के बिल में घुस गया। काफ़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा गया। इसके बाद बाहर लाकर कोबरा को अकील बाबा ने झूले पर झुलाया तो वह नाराज हो गया। झूले से नीचे गिरने के बाद वह इधर उधर भागने लगा और बाद में उसे डिब्बे में बंद कर लिया गया। लेकिन हम आप सबको एक आगाह करना चाहते हैं, लगातार ही उमस भरी गर्मी हो रही है, इसके कारण से ये जहरीले जीव जंतु निकल रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने घर में कचरा इकट्ठा ना होने दें, पानी से भरे कूलर टब ना रहने दें, क्योंकि मच्छर भी पनप रहे हैं जिससे डेंगू का खतरा बना हुआ है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, बने रहिए, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।